नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहरा दिया है और जितने भी रेसलर गए थे ज़्यादातर हरियाणा से हैं, सभी ने कोई मेडल जीता है। और इस समय हम पूजा गहलोत, जिन्होंने 50 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनके घर पर पहुंचे हैं। ये एक उनका घर है और ये घर एक्चुअल में किराए पर उनकी फैमिली ने ले रखा है, 2 कमरों का एक मकान। और पूजा के लिए ही परिवार ने ये किराए पर मकान लिया है, क्योंकि ये फरमाना सोनीपत ज़िले में, जो फरमाना गांव है, वहां के रहने वाले हैं, लेकिन पूजा प्रैक्टिस रोहतक में करती थी। इस वजह से इन्होंने अपना गाँव छोड़कर पूजा के लिए ये किराए का मकान यहाँ पर लिया। और आज पूजा ने 50 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये परिवार है जिसमें फिलहाल उनकी माता को आप देख सकते हैं, उनके पिताजी हैं, बहन हैं, भाई हैं और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है। ये परिवार है इनका। तो मेडल जीतने के बाद परिवार को कैसा महसूस हो रहा है, हम बात करते हैं। सबसे पहले उनकी माँ से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जगवंती है जी। माँ का बेटी में बहुत ज़्यादा मोह होता है और इतना बड़ा काम कर दे तो प्यार और ज़्यादा उमड़ आता है। कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत प्यार है। बेटियाँ, मैं 3 बेटी हैं, बहुत प्यार है। बेटियाँ ने ये मत सोचो बेटा से कम हैं, लेकिन बेटे से भी ज़्यादा प्रेम है इनमें। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है पूजा को और आप लोगों को भी? देखो जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जैसे पूजा 3-3 टाइम प्रैक्टिस करती थी और पसीना, मतलब कपड़ा निचोड़ती थी तो पसीना बह कर चल जाता था। और हमने भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। तो बेटी के लिए आप लोगों ने गांव भी छोड़ दिया? हाँ, गांव भी छोड़ दिया जी, और अपना जो नरेला मकान है वो भी, और रोहतक माँ का हमने अपना बसेरा कर लिया। अब भाई लड़की की प्रैक्टिस करवानी है हमने, और भगवान इसके अच्छे दिन दे और आगे पहुँचे। और भगवान ने ये दिन दिया है, पर थोड़ी ही कमी रहेगी बस जी, उसमें थोड़ी शांति कम है। तो गोल्ड मेडल की उम्मीद थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। मैंने तो बहुत ज़्यादा कर रखी थी जी। तो अभी तो शुरुआत ही है, बहुत लंबा समय लग जाता है मेडल के लिए, लेकिन ये शुरुआत ही मान के चलें कि थोड़े से ही टाइम में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हाँ जी, वो तो है। ले पूरे देशवासियों से मैं तो बस हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करूँ, आगे दुआ करें पूजा ने गोल्ड मेडल मिल जाए, भगवान सबका भला करे, सारे खिलाड़ियों का करे। तो क्या तैयारियाँ करेंगी अभी? वो घर लौटेगी, किस तरह से स्वागत होगा, किस तरह से तैयारियाँ होंगी? देखो जी, वो तो भगवान सारे परिवार के मिलकर करेंगे और अपने आस पड़ोस के करेंगे, आप करोगे सब उस तरह हम करेंगे। तो माँ है, ये कहा है कि बेटी इतनी मेहनत करती है कि पसीना भी बह कर चल पड़ता है। पिता हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं दिल्ली में, लेकिन बेटी के लिए इन्होंने भी अपना गांव छोड़ दिया और यहाँ पर 2 कमरे के मकान में ये परिवार रहता है। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा विजेंद्र सिंह गहलोत। विजेंद्र जी, बेटी के लिए इतना कुछ करना पड़ा कि गांव तक छोड़ना पड़ा आप लोगों को? जी, इसकी मेहनत देखी भाई, अब इसका लगन खास झुकाव है कुश्ती में ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको कुश्ती में डाला। और यहाँ लड़कियों का वो है अखाड़ा, इसलिए उनको यहाँ लेकर आए। तो कितनी तैयारी करनी पड़ी अभी तक के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? तैयारियां तो जी देखो, सुबह उठते 4 बजे उठना और भाई रात के 10 बज जाओ, मतलब 2 बार सुबह जाते हैं स्टेडियम में 4 बजे, वहाँ से 8 बजे 9 बजे आते हैं, फिर शाम को फिर जाते हैं ये 5-5:30 बजे, और वहाँ 9-9:30 बज जाए। तो उसके साथ ये मेरा छोटा लड़का है, ये उसी के साथ रहता है, ज़्यादा यही करवाता है इसकी, भाई टेक्निक कराना, कुश्ती कराना, जोर कराना, कोच साहब के निर्देशन में जो है जिस तरह कोच साहब बताते हैं ये इस तरह करवाते हैं उसके साथ। एक हरियाणवी में कहावत है कि घर फूक के पहलवान बनाया जाए करे। क्या कितना आप लोगों को इसके लिए मतलब जो पैसा खर्च करना पड़ता है, कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि आप लोगों का 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनकी पढ़ाई भी है, तो फिर ऐसे में कैसे मैनेज होता है? जी ये सब भगवान देता है, भगवान की मर्ज़ी से जब होता है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई धर्मवीर जी हैं पहलवान जी, उनका विषय काफ़ी है, और मेरे जो परिवार है पूरा साथ है, मेरे जो बड़े काका ताऊ है ना, सब वो मेरे साथ हैं,
मुझे ज़रूरत पड़ती है जब भी वो मतलब 10,000-20,000 में बोलता हूँ तो दे देते हैं। जैसे घी की ज़रूरत पड़ती है तो घी ठीक है ले जाओ। तो जाने से पहले क्या कह के गई थी और क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरी? विश तो ये था कि गोल्ड लेकर आएगी। तो मैं अब क्या तैयारियां रहेंगी क्योंकि अब वो वापस लौटेगी, ये खुशी के आंसू कह सकते हैं, बाकी थोड़ी बहुत मायूसी ज़रूर है कि गोल्ड मेडल की उम्मीद थी लेकिन गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। पूरे विश्व के खिलाड़ी भाग लेते हैं, पूरे विश्व के खिलाड़ी चुने हुए खिलाड़ी भाग लेते हैं, बड़े बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं, तो ऐसे में ब्रॉन्ज मेडल भी कोई छोटी बात नहीं। छोटी बात नहीं है, लेकिन देखो मेडल तो मेरे देश का नाम ऊँचा कराया है, हम सोचते हैं झंडा थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, अपने देश का झंडा थोड़ी और ऊपर होना चाहिए था। कैसे स्वागत रहेगा आप? स्वागत जी पहले एयरपोर्ट पे ही करेंगे, फिर उसके बाद गांव में करेंगे, है हाँ, मतलब पूरा गांव करेगा। हम तो क्या है, हम तो गांव के साथ हैं, जैसे भाई गांव में सब करें, सब को लोगों को पता चल गया है और वो उनके फ़ोन भी आ रहे हैं भाई कब आ रही पूजा। तो बात हुई है अभी? बात हुई पूजा जी, वो कल रात को शायद यहाँ एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। अभी क्योंकि आगे एशियन चैम्पियनशिप और ओलंपिक भी आने वाला है, तो किस तरह से रहेगा उसको लेकर? उसके लिए जी हम सब मिलकर है ना उसका साथ देंगे और वो मेहनत करेगी और भगवान उसको आज ज़रूर सेलेक्ट करेगा भाई, और हम चाहते हैं कि वहाँ से भी उसका गोल्ड ही आए। तो पिता हैं, खुशी के आंसू आंखों में हैं, हालांकि थोड़ा बहुत मायूसी ज़रूर है कि गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन बहन हैं, भाई हैं जो हर कदम पर उसके साथ रहते हैं। सबसे पहले बहन से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ममता। ममता आप क्या करती हैं? सर मैं मास्टर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस पे। अच्छा, तो बहन गेम में है, आप मास्टर्स कर रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए लेके आना कितनी बड़ी बात है और कैसा फील हो रहा है? सर सबसे पहले तो भाई बहुत अच्छा फील हुआ, हमें खुद गर्व महसूस हुआ। जब हम छोटे छोटे से थे तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ये होता था कि भाई हाँ भाई औरों का मेडल आया है, कॉमनवेल्थ में मेडल आया, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं वो कैसे होते हैं, और आज मतलब खुद की बहन ने कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई है, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उन पर। कि उम्मीद तो थी सर गोल्ड की, क्योंकि उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है सर, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कई बार तो मम्मी भी मतलब रो भी पड़ती थी देख कर कि मतलब कितनी मेहनत कर रही है बेटी, बस भगवान सुन ले मेरी बेटी की, गोल्ड आ जाए। पर सर उन्होंने अपना 100% दिया सर, वो तो एक कुछ टाइम होता है सर, खिलाड़ी है तो ये तो गेम है सर, चलता रहता हार जीत, पर उन्होंने अपना 100% दिया सर। और वो अभी जब हमारी वीडियो कॉल पर बात हुई उनसे तो वो ये बोल रही थी कि बहन मैं और अच्छा कर सकती थी और मैंने किया भी, बस जो वहाँ पर प्रेशर भी होता भाई, इतने बड़े लेवल के गेम्स हैं भाई, सब देख रहे हैं और मुझे और अच्छा करना है भाई, इस ये बाउट है जो भी मेरे को गोल्ड के लिए लेके जाती, तो उसका भी एक प्रेशर था। पर मैंने मतलब मैं खुल के लड़ी हूँ, मैं मतलब उससे डरी हुई नहीं थी कि भी हाँ, एक तो ये होता है कि भी खिलाड़ी मैं डरा हुआ हूँ या मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस था, मैं आगे भी चल रही थी। और सर वो जब उनका जो पहला राउंड था उसमें वो मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, मतलब जो पहले की 3 मिनट थी 4-0 के स्कोर से वो आगे भी थी, फिर जब वो सेकंड जो था सर उसके, बस सर हम सारे बैठ कर परिवार के गांव में गए हुए थे तो सर सारे बैठ के देख रहे थे, मतलब सारे हाथ जोड़ कर बैठे हुए थे कि भगवान, बस सेकंड सेकंड सर हम गिन रहे थे कि ये इतना रह गया, अब 15 सेकंड रह गई, तो सर बस वो लास्ट के 9 सेकंड में वो सर हो गया। तो सर कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मेडल भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती क्योंकि पूरे विश्व से खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं। तो अभी आगे जिस तरह के टूर्नामेंट होंगे, आप लोगों का मोटिवेशन भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जी सर, हम सभी उसको मोटिवेट भी करते हैं और सर बोलते हैं कि पूजा भाई, पहले वो वॉलीबॉल करती थी, फिर उन्होंने पापा को बोला कि नहीं मेरे को तो भाई रेसलिंग करनी है, फिर पापा ही बोलते बेटा वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की गेम है भाई, चोट वगैरह ज़्यादा लगती हैं, तो फिर पूजा दी बोली कि पापा जी कोई नहीं मैं देख लूँगी। और उन्होंने मतलब जब इतना सर रेसलिंग चुनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत वैसा गेम है सर, चोट लग जाती है,
अगर सेटल लाइफ हो जाते तो मतलब सब कुछ है, और अगर नहीं होता तो सर जिंदगी भी एक खराब ही हो जाती है, क्योंकि रेसलर का ऐसा ही काम होता है। तो सर फिर बोले कि नहीं पापा मैं करूँगी, और फिर उन्होंने सर करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया उन्होंने, मतलब गाँव का, परिवार का, देश का नाम रोशन ही किया सर। भाई भी है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? अंकित नाम है। अंकित, आप खुद साथ रहते हैं बहन के, तो किस तरीके से आज आपको खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सर उसकी प्रैक्टिस तो गोल्ड की करवा रखी थी सर ने, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हम तो पूरी उम्मीद कर रहे थे, और आज मेडल आया तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि गोल्ड आता तो और अच्छा होता। तो बहन से बात हुई है? हाँ, जब वो मेडल सेरेमनी के बाद आई तो हमारी वीडियो कॉल हुई, वो बोल भी नहीं पाई, वो सीधा रो पड़ी, और सब ने हमने चुप करवाया कि चल कोई ना, नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आना है, और आगे और भी कंपटीशन है बहुत, तो उसमें और अच्छा करना है, गोल्ड ही लेके आना है। तो आने के बाद किस तरह से उनका स्वागत होगा? सर वो तो जाएंगे सभी हमारे गाँव के कोसाब या स्टेडियम से जितने भी बच्चे जाएंगे, एयरपोर्ट से स्वागत वहाँ पे भी करेंगे, फिर गांव में भी करेंगे, और यहाँ पे स्टेडियम में भी कोसा करेंगे स्वागत। तो ये परिवार फिलहाल इंतज़ार कर रहा है उस बेटी का जिसने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और हालांकि कुछ मायूसी ज़रूर है, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में ही संतोष करना पड़ा। आने के बाद उसका स्वागत किया जाएगा और पूजा फिर से एक बार एशियन गेम और ओलंपिक के लिए तैयारियों में जुट जाएगी, और परिवार भी उसके साथ खड़ा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।